तो अगर आप ट्विटर पर एक्टिव हो तो रिसेंटली कंट्रोवर्सी बहुत सुनी होगी, एलविश यादव वर्सेस मैक्स स्टन। तो कंट्रोवर्सी की शुरुआत कहां से हुई, तो एलविश यादव ने एक चैरिटी मैच खेला जिसमें उन्होंने मुनव्वर फारूकी के साथ हंसते खेलते हुए दिखे। मुनव्वर फारूकी जिसने काफी हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाया उसके लिए जेल भी काटी, और एलविश यादव जो हिंदुइज्म को प्रमोट करते हैं और जो भी उनका फैन बेस है वो ज्यादातर राइट विंग का है, इसके वजह से अनएक्सपेक्टेड था। तो इसके बाद इसके ऊपर रैंडम सेना नाम के एक यूजर ने कहा कि माफी मांगो तुम्हें उससे नहीं मिलना चाहिए था। उसके बाद उन्होंने ट्रेन चलाया शेम एलविश यादव, उनके फैंस ने सपोर्ट एलविश यादव, फिर अरेस्ट एलविश यादव, फिर वो मैक्स स्टन का हुआ। तो कौन से कौन गलत तुम देख लो, लेकिन एक चीज में जरूर कहूंगा कि बॉलीवुड स्टार्स या फिर कोई भी सेलिब्रिटी ज्यादातर लेफ्ट के फेवर में रहते हैं या फिर न्यूट्रली रहते हैं, और जो बड़े स्टार होते हैं वो लेफ्ट राइट न्यूट्रल ये सब छोड़ो, जब कोई कॉन्ट्रोवर्सी भी आ जाती है तो भाई वहां से गायब भी हो जाते हैं सोशल मीडिया हर चीज, या तक कि मूवी लॉन्च पर उन्हें पूछा जाए तो बोलते हैं भाई या जिसके काम के लिए आए हो जिस मूवी से रिलेटेड क्वेश्चन है वही पूछो, ये काफी बार आपने देखा होगा। तो ये सबसे पहले फॉर एग्जांपल रणदीप हुड्डा के लेते हैं। रणदीप हुड्डा स्वतंत्र वीर सावरकर जी के मूवी इंटरव्यू के लिए स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर दे रहे बिना डिप्लोमेटिक हुए, जिस तरह राइट विंग स्वतंत्र वीर सावरकर जी को सेलिब्रेट करते एक फ्रीडम फाइटर के तौर पर एक हीरो के तौर पर रणदीप हुड्डा वही कर रहे, वो कह रहे हैं स्वतंत्र वीर सावरकर जी को माफी वगैरह नहीं कहेंगे जो कि सही है, नहीं कहना चाहिए हमें, लेकिन ये नई चीज है। ऐसा रॉ इंटरव्यू बहुत कम सेलिब्रिटीज देते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर, लेकिन बात करूं क्यों सेलिब्रिटीज लेफ्ट विंग या फिर राइट विंग एक आइडियोलॉजी नहीं चुनते, तो इसके ऊपर मैं एक वीडियो बना चुका हूं कि जो भी लेफ्ट विंग या राइट विंग को सपोर्ट करके अपने मूवी चलाने की कोशिश करते वो किससे बर्बाद हो चुके हैं। आप मेरा वीडियो देख सकते हो हाउ आइडियोलॉजीज डिस्ट्रॉय सेलिब्रिटीज करियर, लेकिन आप देखोगे एक वक्त अक्षय कुमार जी देशभक्ति के ऊपर मूवीज निकलते थे, एयरलिफ्ट, बेबी, और मेरी फेवरेट मूवीज थी वो बेबी ले लो, एयरलिफ्ट का लास्ट का फ्लैग सीन आज भी मेरा फेवरेट है, उस वक्त उस सीन ने गुस्से बम्स दिए थे। लेकिन जब एक चीज बाहर निकल कर आई कि उनका पासपोर्ट पर जो उनकी सिटीजनशिप थी वो कनाडा की थी, तो वो ट्रोल हुई क्योंकि उनसे एक्सपेक्टेशन थी जो उनके मूवीज से बनी थी, भारत देश ही उनके लिए सब कुछ है और होगा भी, भारत देश के लिए उनका प्यार है ही, लेकिन ये चीज एक्सेप्ट नहीं किए थे किसी ने, इसलिए उस वक्त वो बहुत ट्रोल हुए। बाद में उन्होंने आकर जस्टिफाई भी किया कि उनको क्यों सिटीजनशिप लेनी पड़ी, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल था। वैसे बात करें कंगना रनौत की, तो कंगना और रनौत जी राइट विंग को प्रमोट करते और उन्होंने ये तक कह दिया कि प्रोड्यूसर उनको मूवीज में लेने को तैयार नहीं क्योंकि लेफ्ट विंग के लोग उनकी मूवीज नहीं देखते, और ये सही है, और यही लेफ्ट विंग के साथ है। सौरभ भास्कर ले लो, अनुराग कश्यप ले लो, आज उनको बॉयकॉट किया जाता है इनके स्टेटमेंट के लिए, और ऑनेस्टली बोलूं तो कहीं ना कहीं कंगना रनौत ले लो या फिर अनुराग कश्यप, विशाल भारद्वाज, या अपने आइडियोलॉजीज को ज्यादा प्रिफर करने लगे अपने आर्ट को यानी मूवीज को प्रिपेयर करने के वजह। मतलब कंगना रनौत बहुत बड़ी एक्ट्रेस है, तन्नवीर्स मन्नू, क्वीन, कई सारी बढ़िया मूवीज है उनके, मेरी फेवरेट है। तो बाद में उन्होंने स्क्रिप्ट सिलेक्शन अच्छी नहीं रखी और वही ट्वीट करते रहना, कॉन्ट्रोवर्सीज करते रहना, मूवीज से ज्यादा उनको इसी के लिए याद करते, और वही अनुराग कश्यप इनके साथ ये आर्ट सिनेमा को बाद में रखने लगे, पहले अपने आइडियोलॉजी को, उनके लास्ट के मूवीज तो लिटरली देख भी नहीं सकते थे और ये पहले भी रखते थे अपने आइडियोलॉजी को आर्ट से पहले, लेकिन उस वक्त वो मूवीज बहुत प्यार से बनाते थे, इसलिए वो मूवी आज भी तुम कितने बार भी देख सकते हो, लेकिन बाद में कहीं ना कहीं आइडियोलॉजी के चक्कर में कहूंगा वो ले डूबा। लेकिन यही है कि लेफ्ट विंग हो या फिर राइट विंग हो, अगर एक स्टैंड लेते हो तो दूसरे जो ऑडियंस है वो तुम्हें बॉयकॉट करती है, और ये कई स्टैंड अप कॉमेडियन ले लो या फिर यूट्यूब क्रिएटर, हर जगह आप ले होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुनव्वर फारूकी ने हिंदू देवी देवता के ऊपर जोक मारे थे, अरेस्ट हुआ था, लेकिन तब कुणाल कामरा भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट स्टैंड अप करते थे, कई और भी कॉमेडियन थे, लेकिन आज सब वो गायब है क्योंकि राइट विंग वाले बॉयकॉट करते नहीं देखने जाते शो। वही पर मुनव्वर फारूकी वो के साथ आगे बढ़ो, उसने रणवीर आलापाते के शो में गुजरात की तारीफ की, हैप्पी महाशिवरात्रि, ऐसे आप ट्वीट भी करते, माफ करना चाहिए उन्हें या फिर नहीं वो मैं तुम पर डिसाइड करता हूँ, तुम पर छोड़ देता हूँ, डिसाइड करना है कर लो। बात करूँ मेरी तो मैं तो नहीं कर पाऊंगा कभी, लेकिन वही है कि वो वक्त के साथ चलता गया तो उसका चलो चलता है आज, बाकी देखोगे स्टैंड अप कॉमेडी नहीं देखने को मिलते, और वो ही हुआ एलविश यादव के साथ भी। तो जो उससे एक्सपेक्टेशन थी, जो उसके ऑडियंस है, ये देखकर ये लग रहा था कि इन दोनों में नहीं बनेंगे कभी, लेकिन चलो उसमें भी तुम अपना ओपिनियन बताओ कि सही किया गलत किया गले मिलकर। तो बात यही है कि राइट हो या फिर लेफ्ट हो, ऐसा नहीं है कि तुम इन दोनों आइडियोलॉजीज में से एक आइडियोलॉजी चुनकर सक्सेसफुल नहीं हो सकते, बिल्कुल हो सकते हो, लेकिन तुम्हें उस आइडियोलॉजी के ऊपर ठाम होना चाहिए और उस आइडियोलॉजी के ऊपर तुम्हें अपने ऑडियंस बिल्ड नहीं करनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कांतारा जो मूवी थी उसके जो एक्टर है ऋषभ शेट्टी, या फिर अभी जो एनिमल मूवी थी संदीप रेड्डी वंगा जी, दोनों भी उनके आइडियोलॉजी देखने जाओगे तो राइट विंग वाली, अगर आप सेफ्टली चीजें देखोगे तो समझ जाओगे, या फिर जो तुम बड़के मेकर से उनके तुम लेफ्ट लीनिंग कह सकते हो, लेकिन दोनों को भी फर्क नहीं पड़ेगा। अगर तुम्हें कल ऋषभ शेट्टी या
संदीप रेड्डी होगा लेफ्ट आइडियोलॉजी के लोगों के साथ दिखे या फिर तुम बड़ के मेकर तो मैं राइट विंग आइडियोलॉजी के साथ दिखे, क्योंकि दोनों भी कंटेंट के दम पर आए, कंटेंट के दम पर अपने ऑडियंस भी लिखी, तो इन लोगों को ही फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो आज फॉर एग्जाम्पल राइट विंग की एक लहर आई है, तो उसके नाम पर अगर पैसा कमाना चाहते तो उनको उतनी चीजें आगे भी झेलनी पड़ेगी, क्योंकि वो ऑडियंस वैसे बिल्ड होगी। और तुम फिर दूसरे आइडियोलॉजी के लोगों के साथ काम किया, फिर उनको सपोर्ट करते हुए देखे, तो यही ऑडियंस तुम्हें बॉयकॉट भी करेगी, ये दोनों राइट विंग लेफ्ट विंग के लिए। और ये पर मैं कहूंगा लेफ्ट विंग बहुत अच्छी है, इसका रीजन मैं देता हूँ। आप देखोगे कभी भी जो लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी वाले या फिर लेफ्ट विंग वाले, वो कभी भी अपने आइडियोलॉजी के ऊपर ऑडियंस बिल्ड नहीं करते, वो अपने कंटेंट के दम पर ऑडियंस बिल्ड करते। फॉर एग्जाम्पल अनुराग कश्यप ले लो, कोई भी लेफ्ट लीनिंग डायरेक्टर ले लो, उनका कंटेंट हमेशा तगड़ा ही होता है। वही पर राइट विंग के डायरेक्टर लोग है तो वो टेक्निकली वेल मेड मूवीज जो होते हैं वो बहुत कम बनाते हैं, बहुत कम डायरेक्टर है, जैसे अभी संदीप रेड्डी वांगा हो या फिर ऋषभ शेट्टी हो, रक्षित शेट्टी हो, और इससे कोई फायदा भी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल कंगना रनौत की मूवीज तभी चलेगी जब वो पहले जैसा अच्छा स्क्रिप्ट सिलेक्शन करते, नवीरस मन्नू ले लो या फिर क्वीन मूवी ले लो, मेरी फेवरेट मूवीज थी। लेकिन अगर मैं राइट आइडियोलॉजी को भी सपोर्ट करता हूँ, फिर मैं तेजस मूवी नहीं देख सकता, क्या वाहियत मूवी थी। और वही ले लो अनुराग कश्यप के साथ, अनुराग कश्यप भी मूवीज से पहले आइडियोलॉजी करते, वो पहले के मूवीज के आइडियोलॉजी की फिलोसफी देखोगे समझ जाओगे, लेकिन मूवी बनाते वक्त वो पैशन के तौर पर बनाते थे पहले, जो उनकी पिछले मूवीज से मिसिंग है। फॉर एग्जाम्पल जो एक मूवी आई थी दो स्टोरी चलती, वो तो क्या घटिया मूवी थी, क्योंकि उनको एक वहां पर पॉइंट प्रूव करना था जो मुझे लगता है पहले वो नहीं करते थे, उनके लिए फिल्म मेकिंग पहली चीज होती थी। और जो भी ट्वीट वो डालते थे जो मुझे लगता है सच में नहीं डालने चाहिए थे, उसके वजह से उनको आज एक राइट विंग बॉयकॉट कर रहे। तो यही चीज है, कभी ना कभी आके तुम्हें एक न्यूट्रल स्टैंड लेना ही पड़ता है। और तुम अगर किसी आइडियोलॉजी को प्रमोट करना चाहते हो तो फिर अपना कंटेंट स्ट्रांग रखो, क्योंकि किसी आइडियोलॉजी की ऑडियंस पकड़ कर तुम कुछ वो अकेले अपना कंटेंट चला सकते हो, लेकिन अपना कंटेंट स्ट्रांग रखकर लंबे समय तक तुम अपनी आइडियोलॉजी स्प्रेड कर सकते हो। तुम्हारा क्या ओपिनियन है वो कमेंट करके बताओ।